ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम नवग्रहेभ्यो दशगोपालेभ्यो ओम द्वादशराशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला ओडिशा। आज मंगलवार 6 तारीख 2022 आज का राशिफल उड़िया पंचांग के अनुसार आज त्रयोदशी द्विजा यानी आप लोगों के लिए ये अश्विनी भरणी और मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष और वृष राशि मतलब यहाँ मेष में कृतिका खत्म होके जो नेक्स्ट पाद है यहाँ इस नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र में हम लोग उड़िया में इसको यहाँ द्विजा बताया जाता है। तो आज टारगेट नक्षत्र यही है वृष राशि में चंद्रमा। तो कैसा रहेगा आज का दिन, कितना शुभ, कितना मजेदार, कितना बढ़िया, किसके लिए गुड, किसके लिए नॉट सो गुड और बेड नहीं कह रहा हूँ। और आज का सनराइज 6:59 AM अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेके 12:32 तक और राहु काल 2:47 से लेके 4:05 तक। इस टाइम काल में थोड़ा सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे जैसे जिस राशि लग्न वालों को समझाता हूँ ये हो रहा में आपका काम नहीं हो पाएगा, डिले होगा, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है। इस बात का मैं बार बार हर जगह में कहता हूँ। आज सीधा सीधा हम लोग राशिफल से आए, उससे पूर्व थोड़ा सा 4 का मैं जो खुलासा नहीं कर पाया था उसको बता दूँ। गीता जयंती कल सोमवार 5 को था। तो आप लोग जो लोग गीता का पाठ नहीं किए हैं या गीता यज्ञ नहीं कर पाए कल, मैं तो किया हूँ और कल इसीलिए बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, 5-7 का काम रहता है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, खाली उसका थंबनेल वगैरह नहीं लिखा हूँ तो वो बना दूँगा, आप देख लेना। कल लाइट बहुत अच्छा नहीं था जिसके लिए मतलब जहाँ पर किए लाइट का प्रॉब्लम था, नेट का भी प्रॉब्लम 2-4 से चल रहा है, बहुत सारे कुंडली वालों का काम भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे हाथ में नहीं है वो, तो जियो चाहे मरु वालों के हाथ में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का भी प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से किताब के ऊपर विजन नहीं आ रहा था, तो बाकी थोड़ा इधर उधर हुआ नो डाउट, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे ट्राई बेस्ट जो हुआ किए। तो मैं यहाँ इसको इस बार इसलिए छेड़ रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस काम को अभी दिसंबर महीना का जो एकादशी है वहाँ तक आप लोग मतलब अगला कर सकते हैं। गीता यज्ञ यहाँ तक अलाउड रहता है गीता यज्ञ के लिए, अनऑफिशियली, ऑफिशियल लेवल पे नहीं। तो आप लोग जो लोग नहीं किए हैं कर लेना, क्यों करेंगे, मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं इसका एक पूरा 1 का वीडियो आपको बना दे के दे दूँगा, 1-1 लाइन गीता का, माँ गीता, मातेश्वरी, श्रीमद् भागवत गीता, बड़े बड़े दोष निवारण हो जाते हैं कुंडली का। और साल में एक बार हम पंडित लोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जितने सारे दान दक्षिणा पाए होते हैं उसका 4 करते हैं, तो 1 अग्नि हमारा गुरु है तो उसको देना पड़ता है, उसको नहीं दें तो फिर गुरुद्रोही हो जाएंगे, फिर अगला जन्म कुंडली में गुरु बाबा अच्छा देने की जगह में 6-8 में बैठेंगे, या फिर उन्हीं के घर में राहु को बैठा देंगे, बोला रुक बता रहा हूँ सुन, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग जो पंडित लोग हों आप तो जरूर करना चाहिए गीता यज्ञ को अच्छा से करके, पूरे 750 आहुति और साथ में जो बाकी पार्श्व देवता इत्यादि हैं उन सबको आहुति देना, फिर दान दक्षिणा करना पंडितों को, ब्राह्मणों को अन्नदान वस्त्रदान स्वदक्षिणा सहित देना, और जिसका भी जो गृहरिष्ट है उसका दान करवा देना, ठीक है। तो ताकि आपका पूरा साल फिर धंधा पानी ठीक
ठीक चले भाया, ठीक है। तो इसलिए राशिफल में बता दिया क्योंकि कम से कम कुछ लोग देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ गीता फल, अरे यार क्या गीता भी तो चाट रहा है, ग्रह बोल हमको राशिफल बताओ, क्या क्या होने वाला है बताओ, ये सब क्या बताने बैठ गए। जरूरी है ये, आज भी ये लगा हुआ है, आज शाम तक भी है, आप इसका योग है हमारे उड़िया पंचांग के अनुसार, बाकी आप लोगों का आप देख लेना। तो चलिए, ये आज हमारे वृष चंद्रमा चंद्रमा के अनुसार आज का जो नक्षत्र है भरणी का, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होता है, उड़िया में और हिंदी में, ठीक है, हिंदी सेंट्रल पंचांग के अनुसार। तो दोनों इसलिए बोला क्योंकि इस हिसाब से गीता का पाठ है, जिनको हवन तो ज़्यादा बेहतर है, हवन करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग प्लीज़ हवन जरूर कर लेना चाहिए। तो सेंट्रल पंचांग के अनुसार आज जो तारीख है 6 तारीख, उड़िया पंचांग के अनुसार आज हमारा 6 तारीख, यहाँ थोड़ा सा डिग्री वाइज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो हम लोग सेंट्रल पंचांग को लेके चलते हैं, मेष राशि, और यहाँ जो नक्षत्र पद, मैं सेंटर को ही ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी में बना रहा हूँ और सारे भारतवर्ष के लोग देखेंगे, तो मून साइन में मेष को ही लेके चलता हूँ, लेकिन उड़िया में कुछ अलग लेवल पे ला के दिया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेंट्रल पे लेते हैं। तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र को टारगेट बनाते हैं हम लोग, और ये इसी हिसाब में ही चलते हैं। और अगर एग्जैक्ट डिग्री वाइज देखेंगे तो आज जो 6 तारीख को भरणी नक्षत्र को ही मेन एक नंबर बताया गया। तो सबका ये सारा कंफ्यूज को दूर करते हुए आज भरणी नक्षत्र ही टारगेट, मेष राशि, लग्न के ऊपर चंद्रमा कैसा रहेगा भाई। देखो आज तो सबसे पहला राहु के साथ है, तो राहु के साथ जब भी चंद्रमा रहे तो भय भ्रम भूल भटकाव, थोड़ा सा भगवा, थोड़ा सा अंतर्द्वंद, इस प्रकार का रहता है, स्वाभाविक बात है, कुछ भी काम कर लें। और पाप ग्रह के साथ चंद्रमा रहना तो पाप प्रभाव होना स्वाभाविक बात है, नक्षत्र फल के अनुसार इट इज ऑस्पिशियस, सीवियर ऑस्पिशियस नक्षत्र है, इसमें कोई दो राव नहीं है। तो नक्षत्र का फल आप देखोगे आज सुबह सुबह उठ के आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको और नो एक्सप्लेनेशन। मेष राशि के लिए आज प्रथम चंद्रमा तो प्लस गुड, आगे बढ़ो, और मन पे क्रिएटिविटी आएगा, नया आइडियाज, नया टेक्निक्स, बाकी सबको भी मिलेगा लेकिन मेष राशि को ज़्यादा मिलेगा, कर्म सफलता है ठीक 100%। ये वृष राशि का द्वादश चंद्रमा अहेतुक यात्रा खर्चा माइनस मार्किंग, मिथुन का एकादश चंद्रमा सॉलिड गुड वेरी गुड, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं ठीक। कर्क राशि का दशम चंद्र कार्य सिद्धि, आप आगे बढ़ सकते हो ठीक गुड शाबाश। यहाँ सिंह राशि का अगर बात करते हैं तो ये नवम चंद्रमा थोड़ा सा वीकनेस एंड रोगात्मक मानसिकता रहेगा। कन्या राशि का अगर बात करते हैं तो ये अष्टम चंद्रमा, और अष्टम चंद्रमा थोड़ा सा चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा कर्म में बाधा मानसिक तनाव डिप्रेशन प्रकार के रहेंगे माइनस मार्किंग। फिर कर्म लेकिन होगा, कर्म कभी नहीं ऐसे नहीं सोचना आज तो नेगेटिव है कर्म नहीं करेंगे, सोच समझ के करना है, देख के करना है। तुला राशि वालों का सप्तम चंद्रमा रिलैक्स फ्री एंड फाइन एंड गुड एंड रिलैक्स जोन, आप ये वृश्चिक वालों के लिए छठा चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 कर्म सिद्धि, अगर इधर से कोई बीमार वगैरह था तो वो रिलीज कर जाएगा, और कर्म सफलता जीत गुड राइट 100%। धनु का पंचम चंद्रमा मानसिक लेवल पे थोड़ा सा कहीं ना अवसाद टाइप रहेगा, नेगेटिव माइक 50% नेगेटिव। मकर का चतुर्थ चंद्रमा रहेगा नेगेटिव ही है, सड़न कुछ होने का भय भ्रम और उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कर्म के लिए 50-50। इन कुंभ वालों का डमडम बम बम एकदम थर्ड चंद्रमा कर्म सिद्धि सफलता पराक्रम में वृद्धि, लेकिन भ्रम का विभ्राट होने का भी संभावना यहाँ देता है, क्योंकि मीन का द्वितीय चंद्रमा परिवार धन वाणी से थोड़ा सा हानि नेगेटिव मार्किंग 32% नेगेटिव मार्किंग पे चलेगा। कॉल आ गया, चलिए कोई फोन था उसका मैं डील कर लिया, यही है। अच्छा मुहूर्त में लग गया तो आपका बात हो गया, नहीं लगा तो नहीं हुआ, ठीक है।
सुबह सुबह जम्मू से एक डॉक्टर साहिब, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और टॉप लेवल के हैं। ऐसा नहीं बड़े छोटे से मैं सबसे बात करता हूँ, बट डिपेंड अपन कि आपका क्या लेवल, किस लेवल पे किस समय आ जाए। अभी जैसे पूजा का समापन करके बैठा तो खटाखट आंसर निकलेगा, ठीक है, गद्दी पूरा पूजा करके दिया जल रहा है, मेरा दीप भी जल रहा है, तो कहना नहीं आंसर सॉलिड निकलता है, नहीं तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है और याद भी आ जाता है। हाँ तो चलिए, द टारगेट इज नाउ, आज का हम लोगों का नक्षत्र पद था भरणी। सो आज का डेट वाइज तो दिट इज मंगलवार 6 तारीख का है और 6 तारीख का नक्षत्र पद भरणी, ठीक है। तो मंगलवार ये भरणी का टारगेट हम लोग करते हैं। तो आपके लिए अश्विनी मेष और उसके बाद सिंह का मगा और धनु का मूल। धनु अश्विनी मगा मूल केतु का 3 नक्षत्र है और 3 राशि का नाम बता दिया। तो आपके लिए संपद है, जन्म संपद डन 100%, आगे बढ़ो। जन्म तारा में है मेष भरणी का और पूर्व फाल्गुनी सिंह का और धनु का पूर्व आषाढ़ा, ये तीनों के लिए जन्म नक्षत्र है, ठीक है 50%, लेकिन थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा मतलब विभ्रम होना, इस प्रकार का कंडीशन दे सकता है। कृतिका नक्षत्र मेष और वृष का बात करते हैं और इधर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह और कन्या का बात करते हैं और इधर उत्तरा साढ़ा मकर और धनु का बात करते हैं। तो इनके लिए आज टारगेट आप अगर इसी नक्षत्र को करते हैं तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अतिमित्र अतिमित्र नक्षत्र में आ रहा है। तो ये 3 का गया, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र ये आके वृष राशि में और चंद्रमा का हस्ता नक्षत्र कन्या में और इधर श्रवणा मकर राशि के ऊपर है। तो आपके लिए बात करते हैं जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, थोड़ा सा बद्धजन पे रहेगा, सावधान रहना चाहिए। मंगल का मृगशिरा नक्षत्र का बात करते हैं और मंगल का चित्रा नक्षत्र मृगशिरा वृष और मिथुन, चित्रा कन्या और तुला और धनिष्ठा मकर और कुंभ, आपके लिए वही टारगेट करते हैं जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध जोन पे रहेगा। जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध जोन पे आएगा। तो थोड़ा सा बिकॉसेस फॉर दिस और उसके बाद मृगशिरा के बाद आद्रा का बात करते हैं। तो आद्रा वालों के लिए आज का आद्रा मिथुन, स्वाति तुला और सतभिषा कुंभ, 3 राशि 3 नक्षत्र और ये टारगेट था हम लोगों का आज भरणी। हाँ तो भरणी भरणी नक्षत्र शुक्र का जन्म संपदे पद क्षमा प्रत्यारी साधक कर्म सिद्धि गुड 100%, आगे बढ़िए। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि के लिए, विशाखा वृश्चिक और तुला के लिए और इधर पूर्व भाद्रपदा गुरु का कुंभ और मीन के लिए। तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी जो उन पे थोड़ा सा 50-50 धन प्रत्यारी भी है, इट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद पुनर्वसु के बाद पुष्या शनि कर्क राशि और यहाँ अनुराधा वृश्चिक, अनुराधा का वृश्चिक राशि और उसके बाद उत्तर भाद्रपद मीन राशि, आपके लिए आज का दिन रहेगा जन्म संपद विपद थोड़ा सा डेंजर रहेगा, सेफ्टी जोन पे मेंटेन करें। अश्लेषा नक्षत्र का अगर बात करें जन्म संपद विपद जोन पे ये कर्क राशि का और इधर आपका वृश्चिक का ये ज्येष्ठा और रेवती का, आई थिंक क्लियर। ओनली एनर्जी लेवल को समझना है और यहाँ मैं जैसे बताता हूँ कि आपके जो अगेंस्ट एनर्जी है और उस होरा और लग्न को के कभी भी फॉलो ना करें, हमेशा लग्न और होरा देख के ही काम करें, यात्रा करें और कर्मों का निर्णय उसी से ही करना
ताकि दिन दिन मान, जैसे ये मैं हर जगह में बताता हूँ, डे टाइम दिन का 10 बजे से लेके ये 3:30-4 बजे तक सूर्य का हो रहा, और रात का उसी प्रकार रात को 10 बजे से लेकर सुबह का 4 बजे तक ये चंद्रमा और सूर्य, और इधर शाम और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बुध का, और इधर 2-3 बजे से लेकर 6 बजे तक शुक्र का, और ऐसे ही शनि का अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे से लेके ये सुबह 5:30 बजे तक, और मंगल का ये नाइट टाइम बिफोर आफ्टर दैट, हुरा का बात कर रहा हूँ, लग्न का बात नहीं, तो यहाँ ये टाइम जोन रहेगा मंगल का शाम का वक्त, और गुरु जुपिटर का सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से लेके दिन का 9-10 बजे तक, देख लीजिएगा अवेलेबल, वो चेंज रहता है। मैं एक ओवरऑल कॉमन दे रहा हूँ, इसमें गलत भी हो सकता है, ठीक, एक बेसिक बता रहा हूँ। तो फिर जो लोग जिस क्षेत्री हैं वो अपने अपोज मतलब जो शत्रु ग्रहों के टाइम जोन है उसमें ना करें, उसका लिस्ट ऑलरेडी दे दिया हूँ, अगर फिर डाउट होगा तो फिर एक बार और दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।